देखा जाए हम लोग जो सूक्ष्म दृष्ट था किसका घटना चक्र वाला पोर्शन वो कर रहे थे, तो इसमें देखा जाए हम लोग संक्षिप्तियाँ करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं और इसको देखा जाए हम लोग डिटेल में भी कर लिए हैं, तो आप डिटेल वाला भी देख सकते हैं, लेकिन देखा जाए ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है। याद रखने के लिए इसको कई बार आपको देखना या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने मतलब भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बने हैं और ये अभी रिसेंटली 3 सितंबर 2024, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय जो फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किस फिल्म के नामित किया गया, और ये 23 सितंबर 2024 की मतलब लापता लेडी को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है, लापता लेडीज। तो इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, किरण राव थे जो आमिर खान की पत्नी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ, और जयपुर में आयोजित हुआ गया। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन थी, जो मिस यूनिवर्स इंडिया थी और रिया सिंघा इसकी विजेता थी। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय द्वारा अपनी नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा किया, तो ये मतलब मनु भाकर हैं और महिला निशानेबाज हैं, उन्हीं को इसको मतलब नया जो जल मार्ग मंत्रालय द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में भारत शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, तो ये मोहना सिंह है, सबसे पहली महिला फाइटर है मोहना सिंह। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, अंग्रेजी फिक्शन के लिए, और ये प्रदान किया गया प्रशांति राम को। उन्हें किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया, और उन्हें किस लघु कथा के लिए, तो नाइन यार्ड साड़ीज के लिए प्रशांति को मतलब सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है, सौरव किरण पाल हैं इसके क्या है लेखक है, पुस्तक वाले में हम लोग किए हैं। किस देश की पर्वतारोही महिला जो टोमिको इटोका विश्व के सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बनी, और ये जापान के हैं, और इनके टोमिका और इटोका 116 वर्ष की हैं। फिर इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था, मारिया ब्रायसा और मोरेरा के नाम था, और इनका अगस्त 2024 में निधन हो गया, तो ये 116 वाली हो गई, कौन, जापान की जो पर्वतारोही महिला टोमिका इटोका। नेक्स्ट आते हैं, 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया 2022 के लिए, ये 16 अगस्त 2024 में हुआ, और ऋषभ शेट्टी है कांतारा फिल्म के लिए, और फीचर फिल्म श्रेणी में है कांतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किस
किसे घोषित किया फीचर फिल्म के लिए? नित्या मेनन को मिला, और नित्या मेनन के तिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख को फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला। और कच्छ एक्सप्रेस एक कह सकते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट फिल्म था, उसके लिए भी अवार्ड मिला। और किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? अट्टाम को, अट्टाम सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार तो अट्टाम को मिला। और इसके निर्देशक कौन थे? आनंद एकारसिया निर्देशक थे। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया? आईना को गैर फीचर फिल्म घोषित किया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? और फीचर फिल्म में सूरज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए मिला। फीचर फिल्म श्रेणी में किस सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया? तो गुलमोहर को घोषित किया गया। द लायन एंड द लिली, द लायन एंड लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक के लेखिका कौन है? ईरा मुखोटी हैं, ईरा मुखोटी। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व यहाँ पे पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया इमैनुअल और सोवेरन, इमैनुअल सोवेरन मतलब विश्व WHO के मतलब जो निर्देशक हैं इमैनुअल सोवेरनियन। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? ए आनंद कुमार हैं, और ए मतलब कोरिया के एक मतलब कोरिया पर्यटन का मानक राजदूत बनाया गया, और ये सुपर 30 वाले आनंद कुमार हैं जो इंजीनियरिंग के मतलब पढ़ाई करवाते हैं, तैयारी कराते हैं बिहार के। वही थाट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक किसने लिया? सौम्य व्रत चौधरी ने लिखा। और बायोपेकुलियर और स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड यानी कि बायोपेकुलर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड जो पुस्तक हैं उनके लेखक मतलब गी गांगुली हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किसे भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया? डॉक्टर एस श्रीधर को। अब वाइल्ड्स वीमन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम है, वाइल्ड वुमन्स के लेखक। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? टिम वॉकर हैं, प्रिजनर ऑफ द भोपाल। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अलिया नीलम हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अलिया नीलम, और ये पहले न्यायाधीश हैं जो महिला न्यायाधीश पाकिस्तान उच्च न्यायालय की। तो किस भारतीय खगोली शास्त्र को यानी कि कॉस्पर हैरी गैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? ए प्रह्लाद चंद्र अग्रवाल को दिया गया। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा किया गया? तो बेसिकली अमरावती और महाराष्ट्र में। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये एलिसा डी एंडा माद्रोजो यानी कि मैक्सिको का है, उन्हें को FATF मतलब के अध्यक्ष चुना गया। द वाटर शेड मूवमेंट के लेखक अनिल घनश्याम है, अनिकेत घनश्याम है। द फायर स्ट्रॉम इन पैराडाइज नवल ऑनर द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक राणा सफवी। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? ये जून 2024 में संजना ठाकुर को किया गया। अब भारतीय थल सेना 30वें प्रमुख कौन बने? तो 30 जून 2024 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने, जनरल उपेंद्र। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वीं विश्व हिंदी सम्मान मिला? और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला, ये इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में रख लीजिए।
द रिम्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन हैं? सैकत मजबूदार हैं। और लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कोलम टोबी यानी कि आयरिश उपन्यासकार हैं। द एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन पुस्तक के लेखक हैं अनुराधा मैस्कर ड्रेन हास हैं। किसको यहाँ पे देखा जाए कि इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया प्रदीप सिंह खरोला को। प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया निदेशक चुना गया क्योंकि एनटीए काफ़ी मतलब चर्चित था। इसलिए ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर मेमार्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक सुदीप्त सेन गुप्ता हैं। और ग्लोबल एंड एनर्जी काउंसिल इंडिया GWEC इंडिया का अध्यक्ष इसे चुना गया ग्रीस तांत्रिक को। यूनाइटेड नेशन कन्वेंस टू कैम्ब्रेट यानी कि डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया? सिद्धेश सकोरे को एक सम्मित किया। द फ्लाई ऑन द RBI वॉल इन सन इनसाइड यानी कि व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्पना किलावाला। आई हैव द स्ट्रीट ए कुटिट क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के जो कौन है तो आर अश्विन और सिद्धार्थ मोगा हैं। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो गौरव पांडे। और स्मृतियों के बीच घिरी यह पृथ्वी कविता संग्रह के लिए है। किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? ये श्री सुबैया नुलु मुथु को दिया गया है। और प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित पहली भारतीय कौन है? फिल्म निर्माता विनोद गड़त्रा। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेम्पा हालिकेरी पुरस्कार किसे दिया गया? ए सिद्धलिंग पट्टानाथ सेट्ठी को। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया जाए सानिया मल्होत्रा को दिया गया। इंडिया फॉरगेटन कंट्री और द व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक के लेखक कौन है? बेला भाटिया। व्हाइट वेट रॉन्ग विद कैपिटल्स पुस्तक के लेखक रुचि शर्मा। और इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। तो अब ये अरविंद पनगड़िया का जो किताब है ये इम्पॉर्टेंट है, इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 90 एंड बियॉन्ड। इसके बाद अब बाउंडी लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पॉट पुस्तक के लेखक नंदन कामत हैं। लव इन द टाइम्स ऑफ द हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक के लेखक कौन है? रच्छदा और जलीली। द लाज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड राबर्सन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन रिफ्यूजी है ने किसे वैश्विक सद्भावना राजपूत यानी कि थियो जेम्स एंड ब्रिटिश अभिनेत्री उन्हें बनाया गया? किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुस्तक से सम्मानित किया गया? पुरस्कार से सम्मानित ब्लू प्लैनेट जैव विविधता और परिस्थिति तंत्र सेवाओं अंतर सरकारी विज्ञान नीति और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टांजा को दिया गया। रॉबर्ट कोस्टांजा को आप सभी लोग जानते हैं और ब्लू प्लैनेट यहाँ पुरस्कार दिया गया उन्हें 2024 में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुस्तक के लिए किसे चुना गया? अरुंधति राय को, पेन पिंटर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अरुंधति राय वाला, ये भी आप आउटलुक
प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस यानी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो गार्डन रिच और शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को NHPC और कोल इंडिया को। किस भारतीय संस्था को ALC 7 ई पर्यावरण श्रेणी में यानी कि WSIS 2024 सम्मानित चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स को दिया गया। किसको व्हिटलर फॉर एंड फॉर डेचर यानी कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 सम्मानित किया, पूर्णिमा देवी बर्मन को ये दिया गया। फ्रीडम ऑफ द सिटी, अब देखा जाए नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के किताब से किसे सम्मानित किया गया, शबाना आजिम को सम्मानित किया गया। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है, जो ज्योति रात्रे हैं और 55 वर्ष की हैं। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय जो कौन है, काम्या कार्तिकेय ने 16 वर्ष के हैं, काम्या कार्तिकेय ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया, कैरोस यानी जेनी एपनेवेक यानी कि लेखिका और माइकल हाफमैन अनुवादक हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसे किस वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया, मेजर राधिका सेन भारत की थी, उन्हें चुना गया संयुक्त राष्ट्र। तो यूनेस्को गुइल लर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीन पत्रकार को दिया गया, फिलिस्तीनी पत्रकार को उसे दिया। अमेरिका राष्ट्रपति के वॉल्टियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, आचार्य लोकेश मनु के जस्टिस जस्ट ए मर्सनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो पूर्व RBI गवर्नर डी सुब्बा राव हैं। तो जस्ट ए मर्सनरी के मतलब बुक तो ये फेमस है। बीटर गाइडर पुस्तक के लेखक कौन है, अनुपम राजू हैं। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, AK गांधी हैं। वर्ष 2024 के गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय कौन है, तो आलोक शुक्ला हैं भारत के, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार तो आलोक शुक्ला हैं, ठीक है। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन है, तो देखा जाए जॉन अल्फ्रेड टिनीसुआ UK के 101 यानी 242 दिन के। अलीगढ़ विश्वविद्यालय ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा हुआ है कोई महिला क्या वाइस चांसलर बनी है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो हैं कौन है, प्रोफेसर नाइम खातून है, प्रोफेसर नाइम खातून। किस प्रतिष्ठित किस यानी कि मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, और ये रतन टाटा को दिया गया। वर्ष वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और मोहम्मद सलेम यानी फिलिस्तीन राइटर्स हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, सैम पैत्रोदा है। तो सैम पैत्रोदा का भी नाम आप जानते हैं, फेमस है, ठीक है। और इन्हें मतलब आज के टेक्नोलॉजी के कह सकते हैं फादर इंडिया में कह सकते हैं सैम पैत्रोदा, जो कंप्यूटर वगैरह है इन्हीं की देन, एक तरह से इनकी आइडिया था। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पैत्रोदा। और इफ़ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक निखिल जे अलवाहन। ए लाइट थ्रू द कैक्रस उपन्यास के लेखक कुसुम लता सहानी। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पाउल लुरी सुब्बा राव को किया गया। टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया, विजय जैन को प्रदान किया गया। अनटिल अगस्त नामक पुस्तक के लेखक तो गोब्रियल गार्सियल मार्केज़ ने किया था, उन्हीं की पुस्तक है। फ्रॉम ए कार शेड
टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यश रमन है। वर्ष 2024 के एबल पुरस्कार, ये बहुत फेमस है, मैथमेटिक के जानकार को मिलता है, तो 2024 के मिशेल टेलीग्रैंड को दिया गया, मिशेल टेलीग्रैंड को एबल पुरस्कार, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किसे जान डिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? गगनदीप कांग को। ड्रैगन बाल के लेखक कौन है? अंकिरा तेरियाम है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के विजेता कौन? क्रिस्टीना पिस्जकोवा, चेक गणराज्य के मिस वर्ल्ड विजेता है। अब 71वीं, और ये बहुत फेमस है, ये मिस वर्ल्ड विजेता क्रिस्टीना पिस्जकोवा, चेक गणराज्य के। अब 96 ऑस्कर अवार्ड जो हुआ, 96 ऑस्कर अवार्ड, और इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला, ठीक, जो एटॉमिक बम पे बेस्ड है। अब पृथ्वीकर आर्किटेक्ट्स पुरस्कार जो रिकेन यामोटा जापान को मिला, और इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अमित घोष को। के पी नाबियार अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया? यस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष हैं, उनको मिला। भारतीय मूल के किस महिला को टाइम्स मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूच में शामिल किया गया? ये लीना नायर को किया गया, लीना नायर तो 2024 की यही आइकान रही। और सातवां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार 2023, ये दीवान स्टैलिज अनुवादक यानी पंकज कुमार चतुर्वेदी को मिला, और दीवान स्टैलिन को। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? आदित्य सेन भौतिकी शास्त्र को। विश्व पैगोलियन दिवस 2024 कब मनाया जाता है पैगोलियन दिवस? तो ये देखा जाए 17 फरवरी 2024 को। 77वें बेफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? और ओपेनहाइमर को बेफ्टा भी अवार्ड मिला और ऑस्कर अवार्ड भी दोनों मिला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने? ये नवाफ सलाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष बने, और ये देखा जाए कैसे कहाँ के हैं, आपका अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला? एलेक्स डासन को मिला, स्वीडन के। और ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सुरेश वाडकर को मिला। और तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाले आदिवासी महिला कौन है? बी श्रीपति यानी ट्राइबल महिला है तमिलनाडु में। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाले किस विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? गीता बत्रा है। और वैश्विक पर्यावरण सुविधा के तंत्र मूल्यांकन करने वाली ये गीता बत्रा। और डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक SD मुनी का है। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद यानी कि नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? सुनील भारती मित्तल है, इन्हीं को दिया गया नाइटहुड यानी कि किंग चार्ल्स तृतीय। अब आते हैं स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो देखा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस यानी निम हेंस बंगलुरु प्रोफेसर बोटल गैम्बोग को दिया गया, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेट पुरस्कार दिया गया? अशोक वीर राघवन को। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि सेवेलियर डी ला डिजेंस डी यानी कि सेवेलियर डी ला डेवेंजी शशि थरूर को दिया गया, ठीक है, और फ्रांस का एक सर्वोच्च मतलब पुरस्कार है। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार दिया गया? अजीत मिश्र को दिया गया। और विंग्स इंडिया
विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? और बेगमेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया 13 से लेकर 15 जनवरी 2024 तो दुबई में किया गया अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का प्रदर्शन। किसको मरणोपरांत ने तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल कौन थी? पर्वतारोही थी और इन्हें मिला। और तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता अंशु कुमार तिवारी हैं, परवीन सिंह हैं, तुलसी और जैत मोथुकुरी हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जाय अवार्ड्स से 2024 से सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट को। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप से मनाने की घोषणा किया गया? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष यानी कि ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्बेशन बनाया गया, भारतीय स्थल सेना मनाएगी। उपन्यास देखा जाए, उपन्यास एक्टर्स ऑफ गार्ड के लेखक कौन है? कानन गिल हैं, ठीक है। और किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया गया? तो गुजरात में बनाया गया जनवरी 2024। यूरोपीय निवेशक बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पहली यूरोपीय बैंक निवेशक बैंक की पहली महिला तो नादिया कैल्विनो ये बनी, और ये याद रखना आपको, ठीक है। अब देखा जाए, इसके बाद हम खेल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।